बादल खाने वहां पे जाती है, इतना दूर ले जाते हैं तुम लोगों को बादल खाने के, घर में नहीं कभी खाती हो क्या? गोल नहीं करेगी, मेरा ऐसा गोल नहीं करेगी, रुको। हाँ, हमको भी मोदक मिला, इसको भी मिला, और मेरे साथ जो थी उसको लड्डू मिला। हम बोले अंकल जी आप खाली बैठे रहते हैं हरदम, हम जा रहे बिना डिब्बा लिए हुए, आप ऐसे बैठे, संस्कारहीन नहीं बनो, संस्कारी बनो। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और आज फिर से हम लोग जा रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। हम भी दवाएं खाए हैं, ये हम फीवर का खाए हैं और रचना स्ट्रेप्सिल खाई है अभी, तो खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वजह से, मेरे मुंह में लौंग है, ठीक है? तो होने वाला था, ये बंद होने वाला था। आज है गणेश चतुर्थी, तो हम लोग गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा मोरया, ज्यादा जोर से मत बोलो, खांसी फिर से उखाड़ेगा तुम्हारा। तो अभी चलिए चलते हैं। इस जगह पे जहाँ पे भंडारा होने वाला है, और अब कुछ देर बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि गाइस हम लोग आ चुके हैं वहाँ से, और मेरे बाल चिड़िया की तरह लग रहे हैं, तो इसको इग्नोर। बहुत देर पहले ही आए, तब तक ये वीडियो वगैरह सब कुछ एडिट कर रही थी, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना, और वेट कर रहे थे कि कब ये अपलोड करेगी, उसके बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करेगी। की भूख लगी है, सुबह में खाए थे 8 बजे हम लोग, ओट्स वही खाए हुए, अभी तक भूखे हैं। 4 बज रहे हैं अभी, प्रसाद खाए थे और डब्बा मिला है, डब्बा दिखाते हैं। मिला नहीं है, मांगी थी तुम संजू, पता है क्या हुआ? जब हम लोग गुजर रहे थे वहां से आ रहे थे, तो ये बोलती क्या है, अरे सबको तो डब्बा मिल रहा है, हमको तो मिले हुए नहीं। वहाँ पे बैठे हुए एकदम चश्मा ऐसे ऐसे करके, हम बोले अंकल जी आप खाली बैठे रहते हैं हरदम, हम जा रहे बिना डिब्बा लिए हुए, आप ऐसे बैठे रहिएगा। अरे वो बोले ना, अरे तुमको डब्बा नहीं मिला, फिर अचानक नहीं थे ऐसे ही बोले हम, रुको पहले पानी पिलाते, तुमको पानी से काम नहीं चलेगा। हम बोले नहीं, हमको भूख लगा, हमको दीजिए डब्बा। दो पानी ला के दिए, फिर हम लोग पानी पानी नहीं पिए थे, वहीं पे बैग में रख लिए थे। हम लोग को अंकल जी बोले और कुछ चाहिए, तो 2 डब्बा तुरंत गए वो, और डब्बा का स्टॉक खाली हो गया था, ठीक है? 2-3 बचा हुआ था, उसमें से 2 ला के हम लोग को दिए, ठीक है? दीदी बोली कैसे तुमको मांग होता है यार, मांग होता है, हम तो पूरी दुनिया मांग ले, तुमको डब्बा मांगने का बात कर रही हो, तो हम तो मांग लिए भैया, ठीक है? तो प्रसाद था यार, मांगना क्या ऐसे, प्रसाद मांग के भी खाया जाता है, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, समझ रहे? वो मिला था हमको एक मोमो वाला, वो प्रसाद था, और ये ना स्पेशल गेस्ट के लिए था, ठीक है? हम लोग के लिए नहीं था, अति था, उसको क्या बोलते हैं, मोदक, मोदक था, ठीक है? और हम फर्स्ट टाइम, हम भी ये हम मेरे हाथ में मोदक रखाया ना, तो ये बोल दे क्या, ये बोले मोमोज आ गया, सही में सेम टू सेम उसी के जैसा बनाया हुआ था, बस अंदर में ना हलवा भरा हुआ था, अच्छा था। वाला का फोन आएगा मेरी, काहे कि हम तरकारी ऑर्डर किए हैं गाइस, तरकारी के पनीर का ऑर्डर, देख सकते हो। और अभी हम आपको दिखाने वाले डब्बे में क्या सब है, हम लोग भी खोल के नहीं देखे। 2 डब्बा मिला था, और एक ब्लॉगर थी हम लोग के साथ, उसको नहीं मिला था, तो दीदी अपना वाला डब्बा दे दी, हम बोले दे दो, और हम दोनों साथ में मतलब घर पे खा लेते, वो भी 2 लोग थे तो अपना खा लेते, हाँ, क्योंकि जो अंकल ला के दिए थे ना, डब्बा ही खत्म हो चुका था, इस वजह से अच्छा नहीं लगता है ना, सब साथ में रहो और एक को मिले एक को ना मिले, तो हम अपना वाला दे दिए थे बोल रहे थे। और अंकल बोले तो और वो वाला प्रसाद भी चाहिए, हम बोले कोई वाला नहीं चाहिए डब्बा में, तो हम तो खुश हो गए थे कि पता नहीं क्या होगा, दिखाते हैं ठीक है, ओढ़ के बुलाओ। हाँ, हम बोलते हैं कि दुपट्टा ओढ़ के बुलाओ, संस्कार ही नहीं बनो, संस्कारी बनो। हम दिखाते हैं डब्बा, हाँ दिखाओ, तुमको तो खांसी हो ना रचना, नहीं खाओगी मिठाई? नहीं खाओगी, नहीं खाएगी। ओ वाओ गाइस, इसमें सैंडविच मिला है, वो वाला डब्बा में मिठाई था, इसमें लड्डू है। हाँ मिठाई था उसमें, सच में यार, इसमें क्या, कौन सी है ये दीदी, बरेड छो, बरेड गाइस, ये जो 4 गो मिठाई दिख रहा है ना, मेरे गांव में भोज जो होता है ना, बहुत बम्पर वाला भोज होता है, अपन सबको मिथिलांचल में जो भोज होय छे, पत्ता पर जावे क्रॉस को के हाथ नहीं रखे छे, तब तक मिठाई परसे जाय छे। और आप लोग अगर मिथिलांचल से हो तो आपको पता होगा कि पंगहित क्या होता है, हाथों पर धो देते और एक एक मुट्ठी,
और हम लोग जब बचपन में जाते थे भोज खाने के लिए तो सबको मिठाई लाए 50 रुपया का खरीद के, नहीं सबको देखते थे ना कि चावल दाल कोई नहीं खा रहा है, हम ही दोनों खाली, हम दोनों ना चावल दाल खा खा के पेट भर लेते थे। और मिठाई जब खाने को पापा भोज खिलाने ले जाते थे, हम लोग को भात दाल बहुत पसंद आता था। तो घर में भी भात दाल और बाहर में भी भात दाल, ये सब नहीं समझते थे कि सब लड़की नहीं खा रही है भात दाल, हम दोनों क्यों खा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। हम लोग को लगता किसी को खाया नहीं जा रहा है, नहीं खा रहा, हम लोग को खूब भात दाल खा, बाद में देखते बाप इसको खाया नहीं, इसको तो पूरा खानदान खाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं खा रही है जान बुझ कर, क्योंकि इसको खाना था बाद में दही और रसगुल्ले। ठीक है, इसकी जितनी फ्रेंड, मेरी जितनी भी फ्रेंड, कोई बोलती तुम लोग खाओ ना, तो हम दोनों बन दाल भात और पूरी सब्जी के भोज में पूरी सब्जी खा, भरपेट खा के हम लोग फ्लैट। और मिठाई तिठाई नहीं उतना अच्छा, ठीक है, अभी के टाइम में भी वो खा लेते हैं, इस वजह से कमजोरी अभी ढल्ले है, इस वजह से छेना खा लेंगे, नहीं अच्छा लगता उतना मिठाई तिठाई हम लोग को, मीठा उतना ज्यादा पसंद नहीं है, नमकीन ही पसंद है, इस वजह से बचपन से ही। पापा आते थे ना घर पे तो बोलते थे मम्मी को क्या ये दोनों नहीं छह भोज तो खाए बोला, एक दोनों को कही हो लो जो डेली, पता है भोज खाने का टाइम जब भी आता हम दोनों को खूब पापा डांटते थे इस बात के लिए, ये दोनों खाली भात दाल खाते हैं चावल दाल खाने वहाँ पे जाती है, इतना दूर ले जाते हैं, इतना दूर ले जाते तुम लोगों को भात दाल खाने के, घर में नहीं कभी खाती हो क्या, हम बोलते पापा उसका टेस्ट बहुत अलग रहे बहुत, लेकिन मजा आता था वो सब दिन भी याद करते तो अच्छा, ऐसे आंख दिखाते रहते थे, लेकिन खाना तो हमको हमको पता पे से थोड़ी हाथ रोकेंगे, हम खाते हम देखते ही नहीं थे, जब तक भोज में थे पापा के नजर में नजर नहीं देखते, क्योंकि पापा मना करते थे कि लास्ट में मिठाई खाना दही खाना ये सब खाना, ठीक है, सकड़ौड़ी पीना, सकड़ौड़ी पीना, लेकिन सब पेट फूल हम दोनों का कुछ आ रहा है नहीं, ऐसे बहुत गुस्सा जाते, फिर घर पे आके ऐसे बोलते ई दोनों ने भोज खाए वाले, एक दोनों को कहीं हो लो भोज खा लो, और हर बार और एक एक आदमी ना 150 मिठाई खा सकता है, मतलब खाते हैं लोग, और हर बार बोलते थे अब नहीं ले जाएंगे दोनों बहन को, फिर भी हम दोनों को ले जाते थे पापा लेकिन अपन सबको मिथिलांचल में जो भोज होय छे पत्ता पर जावत क्रॉस को के हाथ नहीं रखे छे तब तक मिठाई परसे जाय छे। और आप लोग अगर मिथिलांचल से हो तो आपको पता होगा कि पंगहित क्या होता है, हाथों पर धो दे और एक एक मुट्ठी, और हम लोग जब बचपन में जाते थे भोज खाने के लिए तो सबको मिठाई लाए 50 रुपया का खरीद के, नहीं सबको देखते थे ना कि चावल दाल कोई नहीं खा रहा है, हम ही दोनों खाली, हम दोनों ना चावल दाल खा खा के पेट भर लेते थे। और मिठाई जब खाने को पापा भोज खिलाने ले जाते थे, हम लोग को भात दाल बहुत पसंद आता था, तो घर में भी भात दाल और बाहर में भी भात दाल, ये सब नहीं समझते थे कि सब लड़की नहीं खा रही है भात दाल, हम दोनों क्यों खा रहे हैं, समझ में ही नहीं आता, हम लोग को लगता किसी को खाया नहीं जा रहा है, नहीं खा रहा, हम लोग को खूब भात दाल खा, बाद में देखते बाप इसको खाया नहीं, इसको तो पूरा खानदान खाया जा रहा है, लेकिन ये नहीं खा रही है जान बुझ कर, क्योंकि इसको खाना था बाद में दही और रसगुल्ले। ठीक है, इसकी जितनी फ्रेंड, मेरी जितनी भी फ्रेंड, कोई बोलती तुम लोग खाओ ना, तो हम दोनों बन दाल भात और पूरी सब्जी के भोज में पूरी सब्जी खा, भरपेट खा के हम लोग फ्लैट। और मिठाई तिठाई नहीं उतना अच्छा, ठीक है, अभी के टाइम में भी वो खा लेते हैं, इस वजह से कमजोरी अभी ढल्ले है, इस वजह से छेना खा लेंगे, नहीं अच्छा लगता उतना मिठाई तिठाई हम लोग को, मीठा उतना ज्यादा पसंद नहीं है, नमकीन ही पसंद है, इस वजह से बचपन से ही। पापा आते थे ना घर पे तो बोलते थे मम्मी को क्या ये दोनों नहीं छह भोज तो खाए बोला, एक दोनों को कही हो लो जो डेली, पता है भोज खाने का टाइम जब भी आता हम दोनों को खूब पापा डांटते थे इस बात के लिए, ये दोनों खाली भात दाल खाते हैं चावल दाल खाने वहाँ पे जाती है, इतना दूर ले जाते हैं इतना दूर ले जाते तुम लोग को भात दाल खाने के, घर में नहीं कभी खाती हो क्या, हम बोलते पापा उसका टेस्ट बहुत अलग रहे बहुत, लेकिन मजा आता था वो सब दिन भी याद करते तो अच्छा, ऐसे आंख दिखाते रहते थे, लेकिन खाना तो हमको हमको पत्ता पे से थोड़ी हाथ रोकेंगे, हम खाते हम देखते ही नहीं थे, जब तक भोज में थे पापा के नजर में नजर नहीं देखते, क्योंकि पापा मना करते थे कि लास्ट में मिठाई खाना दही खाना ये सब खाना, ठीक है, सकड़ौड़ी पीना, लेकिन सब पेट फूल हम दोनों का कुछ आ रहा है नहीं, ऐसे बहुत गुस्सा जाते, फिर घर पे आके ऐसे बोलते ई दोनों ने भोज खाए वाले, एक दोनों को कहीं हो लो भोज खा लो, और हर बार और एक एक आदमी ना 150 मिठाई खा सकता है, मतलब खाते हैं लोग, और हर बार बोलते थे अब नहीं ले जाएंगे दोनों बहन को, फिर भी हम दोनों को ले जाते थे पापा लेकिन पूरे पत्ता पे जो जो आदमी 150 मिठाई खाएगा एक बार में, उसके पत्ता पे समझो कितना बड़ा धार बहेगा। कभी कभी होता है हर जगह, पहले के जिस टाइम हम लोग जाते थे ना भोज खाने, उस टाइम नहीं मिलता था उतना, और अभी के टाइम में भी हर लोग तो कैपेबल नहीं रहता है कि बहुत रसगुल्ला बहा ही दे,
तो अब तो हम दोनों जाते ही नहीं भोज खाने के लिए, बड़े हो गए ना इसलिए बड़ी लड़की नहीं जाती है भोज खाने के लिए, सब देखने लगता है इस वजह से, है ना, पारस आता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो बगल सब में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, मतलब फरीक सब में जाते हैं, तो हमको नहीं खाया जाता है तो अपने भाई वैसे बढ़ा देते हैं, हर्ष वो दिखता होगा ना, हर्ष पाठक वो खाता है मेरा जुट्ठा। हाँ दीदी, बहुत मजा आता था, लेकिन अभी मिठाई को देखते हैं तो वही चार गो रखा हुआ है दो दिन से फ्रिज में, फ्रिज है लग रहा है मिठाई हमको खा जाएगा। हाँ मतलब अब हमको फेंक देने का मन कर रहा है, बिना फ्रिज के भी खराब नहीं हो रहा है कल से, जो कि खरीद के लाएंगे बोलोगे माया लगता है फेंकने में, फेंकेंगे कैसे, लेकिन बहाना हो जाता है खराब होता ना, कल से खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, पता नहीं सर्दी है इस वजह से, उसको देख के हम इतना खांसी किया ना, मेरा खाने का मन नहीं करे, ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे मन में अजीब, तो छोड़ दो ठीक है, मन मान रहा है तब ये खाओ, मन नहीं मानेगा तो छोड़ दो, हम तो सीधा बोल देते हैं। ये पहली बार खा रहे हैं। कैसा? टेस्टी ना? नहीं, हर इंसान को तब से हमको बोले जा रही थी अपने, इसमें लगता है मुंडी घुसा लेगी। क्या नहीं कुछ खा रही हो, सब देख ली है ठीक है समझी, और मेरा सब्जी आ चुका है यहाँ पे गाइस, तो अभी जा रहे चावल बनाने। और गई खा के हाथ धोने के लिए, एक और लड्डू मिला हनुमान जी का लड्डू, एक लड़की का जन्मदिन था तो वही दी है। जन्मदिन है, किसी से भी पूछ सकती है, तुम्हारा ही मेरा, हाँ मुँह लेंगे कौन वो हाथ वाला, तो ले लो। नहीं ये कौन सा आदत हुआ, तुम समझ रही थी उसमें ज्यादा, तुम बहुत बहुत क्या बोलते हैं लोभ चट पर चट आदमी हो गई है, ठीक नहीं हुआ है, गोल नहीं करेगी मेरा ऐसा, गोल नहीं करेगी, रुको।